तो कैसी है पब्लिक, आज भी मेरे पास काफी सारी अपडेट है एमसी स्टैंड की तरफ से। लेकिन इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और मेरे इस चैनल पर एमसी स्टैंड से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। एक बार चेकआउट मान लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली अपडेट जो सामने निकल के आ रही है वो एमसी स्टैंड की तरफ से आ रही है। गाइस, एमसी स्टैंड फिर से आ चुके हैं टॉप 20 सेलिब्रिटी के अंदर और वो टॉप 3 में आ चुके हैं। और साथ ही में कलश वाले अपने यूट्यूब चैनल पर ये पोस्ट करते हैं और इसके अंदर ये लिखा हुआ है कलश यूनिवर्स एमसी स्टैन और अंकित गुप्ता और गौतम भी है। और साथ ही में एमसी स्टैन अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये लगाते हैं दिस स्टोरी इज अनेबल। तो एमसी स्टैन ने कुछ इस तरह के स्टोरी लगाई है और वो अपने गाने का हिंट देना चाहते हैं। और उसी के दूसरी तरफ उनके फैन पेज ने ये लिखा है उनको नहीं मालूम मैं किधर से आ रहा और किधर को जा रहा। और साथ ही में एमसी स्टैन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी और उसी शॉर्ट वीडियो पर एमबीबी के फैंस काफी सारे कमेंट कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको कमेंट बता देता हूं। भाई स्टैन एल्बम आ जाने दो, वेट नहीं हो रहा। अगली अपडेट जो सामने निकल कर आ रही है वो एमबीबी बंटाई की तरफ से। एमबीबी बंटाई को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है उनके बीएफएफ की वजह से। और साथ ही में एमबीबी बंटाई ने अपनी स्टोरी की एल्बम जारी कर दी है और एमबीबी बंटाई के टीम से सुमित बंटाई ने एक स्टोरी भी लगाई है जिसकी जलती है उसकी और जलाओ, जिसकी पूरी जल जाती है उसमें पानी डाल दो। दोस्तों आपको ये वाली वीडियो कैसे लगी है वह कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।